गर्मियों के एंजॉय करने के लिए आए थे और यहाँ पे ये था कि स्नो फॉलिंग होगी, लेकिन नथिंग, कुछ भी नहीं, स्नो फॉलिंग का तो नाम ही नहीं है. और बहुत मतलब चिरी धूप होती है, गर्मी है, जो कि हम तो कुछ सोच सोच के आए थे लेकिन निकला कुछ और. बस अभी एक नॉर्मल मौसम है, बस कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं. लेकिन ज़्यादा तो बच्चों को ये था कि स्नो फॉलिंग का, जो कि मुरी का दिसंबर भी खत्म हो गया और स्नो फॉलिंग का तो नाम ही नहीं है. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके. तो हम समझ रहे थे बर्फबारी होगी, लेकिन जब आए आगे तक गए तो बर्फबारी नहीं थी. और फिर अब इतना एंजॉय नहीं कर रहे, लेकिन बर्फबारी में ज्यादा एंजॉय करते हैं जब स्नोफॉल होती है. सरसब्ज पहाड़, घाटा बेला, ककरन जी अचवन, खूबसूरत मौसम माण्हुनि लाइ कशिश जो सबबु आहिनि. उन करे मुल्क जे मिड़नी शहरनि मां माण्हू सैर तफ़री लाइ हिते अचनि था. इहो ई सबबु आहे जो सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि जा माण्हू मरी में घुमंदे नज़र अचनि था. मरी में साल लाइ केतिरा ई घुमण जा हंध आहिनि, पर पिंडी पॉइंट खे ख़ासि हैसियत हासिलु आहे, जिते चेयरलिफ्ट ज़रिए माण्हुनि जी घणाई नज़ारनि ऐं मौसम मां लुत्फ़ अंदोज़ थिए थी. नीचे इसका डिवस्टेशन भी आजकल तो तकरीबन ज़रा मुल्क के हालात भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से रश बहुत कम है. अदरवाइज़ अगर मौसम और बर्फबारी का मौसम, अगर बर्फबारी हो तो तकरीबन लोग ठीक ठाक आ जाते हैं, 500-700 तकरीबन लोग आ ही जाते हैं. वैसे सीज़न में रश ठीक होते हैं. पॉइंट के हिसाब से एक और चेयर लिफ्ट है, वो पत्रेटा होती है, वो एशिया की सबसे बड़ी है, तो वहाँ इसकी नस्बत ज़्यादा रश होता है. वो सिर्फ वहाँ एक चेयर लिफ्ट ही है जिसकी वजह से लोग जाते हैं. मरी जे ठंडियानी भूरबन वारनि इलाइक़नि मां कश्मीर जा बर्फ़पोश जबल आसानी सां नज़र अचनि था. नथिया गली, घोड़ा गली, अयूबी आबमरी जा ख़ासि हंध आहिनि. हिते जूं बाज़ारूं सियाहनि जूं दिलचस्पी जो सबबु आहिनि, जिते गरम कपिड़नि खां वेंदे हार सिंगार ऐं हथ जे हुनरनि जूं शयूं मिलनि थियूं. हिते ख़रीदारी कंदड़ माण्हू महांगाई जी शिकायत कंदे ॿुधा वञनि था. शॉपिंग तो पिंडी से महंगी है, यहाँ पे हर चीज महंगी है. ये एक आदत हमारी बनी हुई है ना कि आते हैं तो चलो जी मरी से शॉपिंग भी कर लें, अदरवाइज ये है कि महंगी तो होती है. हाँ, फर्क तो है, महंगाई बहुत है इस समय. वो दो तीन दिन रश तो बहुत ज्यादा रही, क्योंकि छुट्टियाँ थी तो उसे मारों के दिन भी थे, और उसके बाद जो धमाके ना शुरू हो गए कराची में इस तरह, उस वजह से रश बहुत टूट गई और मुल्क के हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, जिसकी वजह से मरी में रश बहुत कम है और कारोबारी बहुत डाउन है. अगर मुल्क हालात ठीक होते तो मरी में रश बहुत ज़्यादा होती, क्योंकि मरी में इस टाइम बर्फ़ का मौसम है और रश बहुत ज़्यादा होती रहती थी, लेकिन जो धमाके हो रहे हैं इसी वजह से लोग नहीं आ रहे हैं. अगर मरी में तो सुकून है, लेकिन आउटसाइड मुल्कों में जो धमाके हो रहे हैं उस वजह से मरी में रश बहुत कम हो रही है. दो तीन दिन रश बहुत ज़्यादा रही और उसके बाद जब कराची में धमाका हुआ जुलूस के दौरान, तो रश ख़त्म हो गई. और आज भी यही हालत है कि रश बहुत कम है, और इसकी नस्बत बहुत मारोड़ को अभी देख लें तो पूरी मारोड़ जो खाली जा रही है, और मारोड़ में अभी कोई भी कस्टमर नहीं है. जो भी ये सब तकरीबन लोकल कस्टमर है, आउटसाइड लोग बहुत कम आ रहे हैं, और यहाँ पे जो भी आते हैं सिर्फ विजिट और चंद लोग आ रहे हैं, जो भी पिंडी इस्लामाबाद से आउटसाइडर से बहुत कम आ रहे हैं. हालांकि जब मुल्की हालात ठीक थे तो पहले बहुत से लोग इंडिया, इंग्लैंड, मलेशिया से आ रहे थे, लेकिन वो लोग अभी जब तक यहाँ पे नहीं पहुँचे, और इस वजह से जो मुल्की हालात की खराब है, जो कारोबार भी डाउन है और लोग भी बहुत मुतासर हुए हैं. और हालांकि फैसिलिटीज़ तो सत्ते के लिए सब बहुत सारी हैं, गैस की फैसिलिटीज़ भी मुहैया हो गई है, और जहाँ पे भी देखें गैस की फैसिलिटीज़ है, और हालांकि टेम्परेचर भी यहाँ पे ठीक जा रहा है, और बहुत सर्दी का मौसम भी है. हालांकि पिछले दिनों बर्फ़ भी पड़ी थी, उस वजह से भी रश नहीं हुई. हालांकि बर्फ़ में तो लोग बहुत ज़्यादा आते थे मरी में, तो उनके बारे में यही कह सकते हैं कि अमन से अमन रहे मुल्क में तो मरी का हालात भी ठीक हो सकते हैं और कारोबार भी ज़्यादा चल सकते हैं. अगर अमन नहीं रहा तो फिर कारोबार तो डाउन जा रहे हैं, तो इसके बारे में तो दहशतगर्दी ख़त्म होनी चाहिए, ताकि लोग भी वैसे हमारे सब मुसलमान भाई मारे जा रहे हैं, तो इसकी वजह से हम और उनको कुछ नहीं कहते, ये हुकूमत से दर्ज करें दहशतगर्दी ख़त्म करते. सबसे ज़्यादा मसला यहाँ पे हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स है, इस्टेब्लिशमेंट हमारी इतनी अच्छी नहीं है, सब लोग इतने अच्छे नहीं हैं,
जो लोग बैठे हैं वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो लोग डरते हैं आने से। काफी ये होता है, अब कल भी धमाका हुआ था कराची में, उससे भी काफी लोग डर गए। अब लोग बाहर निकलने से डरते हैं। हमें भी डर लगता है, लेकिन फिर भी इंजॉयमेंट के लिए बाबा ले आते हैं, तो आ जाते हैं यहाँ पे। मरी के फितरी हुसन सबब जका सुनारप हासिल आए उते उन जी सुनारप जा ब्या बहवाल आहिन। खास तौर ते मुल्क सा लागापिल अहम फैसला ब हुकुमरान तौर सियासतदान हिन हंद ते कंदा आहिन। वेझे माज़ी में सदर आसिफ ज़रदारी ऐं मियां नवाज़ शरीफ विच में मरी जे ई सियाहती हंद ते मुलाकातूं थियूं, जंहिं में अहम वादा वचन कया विया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पंहिंजी इब्तिदाई तालीम मरी जे हिकु स्कूल मां हासिल कई। शरीफ भाइरनि जी घणी अच वञ बि मरी में ई रहे थी। इन ॻाल्हि में को बि शक न आहे त मरी इन ख़िते जो हसीन तरीन हंधु आहे ऐं हिन जी सुञाणप जा केतिरा ई हवाला आहिनि। शाल ही तफ़रीह हंधु तौरु मुल्क जे ॿियनि हिसनि में वाक़िए तफ़रीह मक़ाम सदाइनि लाइ क़ाइमु रहनि ऐं इंसान ज़ात उन मां ज़हनी फैज़ हासिल कंदो रहे। पर उन लाइ उहे कोशिशूं थियणु घुरिजनि त फितरती माहौल खे बरक़रार रखण लाइ ॿेलनि जी वाढी खां वेंदे ॿिया फितरत दुश्मन कमु बंदि कया वञनि। ग़ुलाम रसूल कुंभर, KTN न्यूज़, इस्लामाबाद।